हेलो गाइस, वेलकम टू शिवा लर्निंग। आज के वीडियो में मैं आपको टॉप 10 गवर्नमेंट कॉलेज मेडिकल के और टॉप 5 मेडिकल के प्राइवेट कॉलेज के बारे में बताऊंगा। तो स्क्रीन पर आप पूरी लिस्ट देख सकते हैं, मैं सबको एक्सप्लेन करता हूं और नेक्स्ट वीडियो में इन सबको पर्सनली सब कॉलेजेस के बारे में डिटेल में बताऊँगा। तो उसके लिए आप हमारे चैनल शिवा लर्निंग को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और ज़्यादा जानकारी के लिए आप हमारी वेबसाइट www.shivalearning.in पर भी लॉगिन कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। नंबर 1 गवर्नमेंट कॉलेज में सबसे पहला नंबर आता है ऑल इंडिया में एम्स दिल्ली का। ये गवर्नमेंट कॉलेज रैंकिंग है इसकी नंबर 1 और ये काफ़ी अच्छा कॉलेज है। दिल्ली में भी काफ़ी अच्छा कॉलेज है अगर आप दिल्ली के स्टूडेंट। और इसका जो इनटेक एग्ज़ाम होता है वो एम्स MBBS होता है। तो गाइज, इसके बाद मैं सेकंड नंबर पर बात करता हूँ, नंबर 1 कॉलेज इन प्राइवेट। प्राइवेट में जो सबसे पहला मेडिकल कॉलेज आता है वो है क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज वेल्लोर का। इसकी भी ओवरऑल स्कोर 371.77 है, बट इसका एग्ज़ाम होता है नीट UG। तो इसका जो एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है यहाँ एडमिशन के लिए। थर्ड की हम बात करते हैं तो ये सेकेंड नंबर का कॉलेज है गवर्नमेंट में, किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी लखनऊ। इसमें भी नीट PG, ये PG के लिए है गाइस, और नीट PG का एग्ज़ाम होता है, उससे आप इसमें एडमिशन ले सकते हैं। थर्ड गवर्नमेंट कॉलेज जो है वो है यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ मेडिकल साइंसेस दिल्ली का। इसका भी ओवरऑल स्कोर 295.3 है, काफ़ी अच्छा है, गवर्नमेंट कॉलेज है। एंड फिर आता है कस्तूरबा मेडिकल कॉलेज मणिपाल। ये काफ़ी अच्छा कॉलेज है, प्राइवेट में सेकेंड नंबर पर आता है और इसके लिए आपको नीट UG का एडमिशन एंट्रेंस एग्ज़ाम आपको देना होता है। और इसके साथ ही जवाहरलाल इंस्टीट्यूट ऑफ पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च पुडुचेरी का है और जिपमर मेडिकल का इसका एग्ज़ाम होता है, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट है, काफ़ी अच्छा है। और इसके बाद फिफ्थ नंबर पर गवर्नमेंट कॉलेज में इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी वाराणसी। ये बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी BHU का कॉलेज है, गवर्नमेंट है, और ये पोस्ट ग्रेजुएशन का कॉलेज है। इसका भी ओवरऑल स्कोर काफ़ी अच्छा है। फिर नेक्स्ट थर्ड नंबर का जो प्राइवेट कॉलेज आता है वो सेंट जॉन्स मेडिकल कॉलेज बेंगलोर का है, प्राइवेट यूनिवर्सिटी, काफ़ी अच्छा है, नीट UG का एंट्रेंस एग्ज़ाम है। सिक्स नंबर गवर्नमेंट कॉलेज में आता है मौलाना आज़ाद मेडिकल कॉलेज न्यू दिल्ली। ओवरऑल स्कोर 268.27, गवर्नमेंट कॉलेज है, PG कॉलेज है, काफ़ी अच्छा कॉलेज है गाइस। सेवन्थ में गवर्नमेंट में आता है आर्म फोर्स मेडिकल कॉलेज पुणे, गवर्नमेंट कॉलेज, नीट UG इसका एंट्रेंस एग्ज़ाम, 263.81 इसका ओवरऑल स्कोर है। फिर क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज लुधियाना फोर्थ नंबर का प्राइवेट यूनिवर्सिटी है, नीट UG इसका एंट्रेंस एग्ज़ाम है। और फिफ्थ नंबर का जो प्राइवेट कॉलेज है श्री रामचंद्र मेडिकल कॉलेज एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट चेन्नई है, 227.83 इसका ओवरऑल स्कोर है, नीट UG इसका इनटेक एग्ज़ाम है, प्राइवेट यूनिवर्सिटी है। अब टॉप 5 प्राइवेट यूनिवर्सिटी के बारे में मैंने आपको बता दिया गाइस। अब मैं 8 नंबर पे लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज फॉर वुमेन गवर्नमेंट कॉलेज की बात करता हूँ, नीट PG इसका इंटेक एग्ज़ाम है, 216.57 इसका ओवरऑल स्कोर है। फिर 9 नंबर पे है गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल चंडीगढ़, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट है गाइस, नीट PG इसका इंटेक एग्ज़ाम है और 213.59 इसका ओवरऑल स्कोर है। लास्ट 10 नंबर की जो गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है वो सेठ गोवर्धन दास सुंदरलाल मेडिकल कॉलेज एंड किंग एडवर्ड मेमोरियल मेडिकल कॉलेज मुंबई की है, 203.88 इसका ओवरऑल स्कोर है, गवर्नमेंट और नीट PG इसका इंटेक एग्ज़ाम है। ये थी हमारी गाइस टॉप 10 गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी और टॉप 5 प्राइवेट यूनिवर्सिटी फॉर मेडिकल इन इंडिया। तो गाइस, नेक्स्ट वीडियो में इन सब यूनिवर्सिटीज़ के बारे में आपको डिटेल में बताऊँगा। तो उसके लिए प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर करिए गाइस। और थैंक यू गाइज़।